इस्माइल साहब, मैं आपके आला किरदार और बेमिसाल हौसले को सलाम करती हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है। मैं आपकी अजमत और आपकी खूबियों की कायल हूँ, लेकिन मैं खुद एक बहुत ही कमज़ोर और बेहौसला सी लड़की हूँ। मैं जानती हूँ कि ये फैसला आपके लिए वक्ती दुख और रंजिश का सबब बनेगा, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में एक चाहने वाली शरीक हयात आ जाएगी, तब शायद आपको एहसास हो कि ये फैसला दुरुस्त था। शायद सारी उम्र मोहब्बत बिछड़ने का गम मनाती रहूँगी, ना खुद खुश रहूँगी ना आपको खुश रख पाऊँगी। इसलिए बहुत सोच समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि मैं इर्तिज़ा की तरफ वापस लौट जाऊं। मैं आपको एक बहुत ऊंचे मुकाम पे खड़ा देखती हूं। मैं आपके काबिल नहीं हूं इस्माइल। आप मुझे खुद के साथ जुड़े रखकर खुद को भी दुखी रखेंगे और मैं भी हमेशा बेसकूनी में रहूंगी। इसलिए बेहतर यह है कि वक्ती दुख सहकर हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कह दें। आने वाला वक्त हर दुख का मुदावा कर देगा, मेरा यकीन कीजिए। आखिर में बहुत शर्मसारी के साथ कह रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ, इस्माइल मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं आपके साथ ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। क्या हुआ अगर अगर बच्चों को आपकी आदत हो गई है, अगर मोहिनी को आपसे उज्जत हो गई है, क्या हुआ? अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, लग रही हैं। मम्मा आप कहीं जा रही हैं? हाँ मैं जा रही हूँ। तुम लोग फूफो का ख्याल रखना। ठीक है मामा, आप जाएं, हम फूफो का ख्याल रखेंगे। आप जल्दी आएंगी ना मम्मा? आप जल्दी वापस आ जाइएगा, नाम परेशान हो जाएंगे। निदा, तुम लोग को पता है ना, बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि वो जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम लोग को अपना भी ख्याल रखना है, बहादुरी के साथ रहना है और वो कभी ख्याल रखना है। जल्दी आ जाना ना, फिर बस जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करती रहूंगी ना, फिर जल्दी आ जाना।
तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा लगता है। मुझे भी। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखना, बाहर नहीं निकलना, छत पे नहीं जाना। तुम भी नहीं जाना छत, गिर जाती ना। हाँ गिर जाते। मैं जानता था कि तुम आओगी मुझे, दिल कह रहा था मेरा। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे हक में फैसला दोगी। हम ना ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, कहीं बहुत बहुत दूर चले जाएंगे, जहां पे हम दोनों होंगे और हमारी मोहब्बत तीसरा और कोई नहीं। आप ऐसा क्यों सोचने लगे हैं? हाँ आप ऐसा क्यों सोचने लगे बताएं? मुझे जानती हो मेरे पापा ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ शादी करे। हालांकि ये फैसला तो मेरा होना चाहिए ना मुश्क। और मामा कहती हैं कि बचपन में जिस शर्ट पे दाग लग जाता था ना वो शर्ट मैं नहीं पहनता था, तो एक ऐसी लड़की से कैसे शादी करूंगा जिस पे इल्जामात के इतने दाग लगे। लेकिन मैंने सोच लिया है मुश्क, बस सोच लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और शायद कुदरत ने ना मेरे लिए यही सजा मुंतखब की थी कि मैंने एक पाकीज़ा लड़की को झुकलाया। पुष्क तुम इस्माइल साहब को छोड़ दो, तलाक ले लो। मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा इंसान, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मोहब्बत सिर्फ मुझसे करती और मैं तुमसे, और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनाऊंगा ना अपनाऊंगा, प्लीज प्लीज। हेलो मुश, कहाँ पर तुम? घर पे हो तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हुआ इस्माइल, सब खैरियत तो है ना? रामा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, अंबर उनके साथ है। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी
मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले ये हम ही जानते हैं किस तरह तुम कहाँ जा रही हो मौज मौज मुझे छोड़ के मत जा प्लीज प्लीज मौज बहुत शुक्रिया यकीन नहीं आ कि ये मोहिनी की हैंडराइटिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहनत और खलूस ने साबित कर दिया कि सिर्फ हम ही नहीं आप भी हमें अपना समझती हैं बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हाँ इस्माइल मैं भी आप लोगों को अपना समझती हूँ मुझे भी मोहब्बत हो गई है मोहिनी से बच्चों से और आपसे भी Thank you.
मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत कहते किसे। पता चला है मोहब्बत मोहब्बत कहते एक दूसरे का एहतराम करने को, इज्जत करने को, एक दूसरे की खताएं भुलाने को। मोहब्बत उसे कहते हैं जो मुझे आपसे हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। हाँ इस्माइल, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, वो भी सच्चे दिल से। बाबा मोहिनी के ऊपर छत से गिर गई है, उनका खून निकल रहा है। अल्लाह मोहिनी, बेचारी ने इस खत को पढ़ने की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा लिया। मुश्क, अपनी वजह से और कितने लोगों का दिल दुखाओगे। अम्मी जी ने तुम्हारी वजह से बहुत टेंशन ले ली थी। अम्मी मुझे माफ कर दे, बस आखिरी बार माफ कर दे। आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी मैं, बहुत शर्मिंदा हूं। अपनी बेवकूफ कमकार लड़की को माफ कर दे प्लीज। सारी जिंदगी इम्तिहानों से गुजरती गई और नाकाम होती गई बस, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में मैं कामयाब हो गई हूँ। और मैं आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप लोग सब मेरे लिए सब कुछ है, बल्कि आपको भी मैं अकेले नहीं रहने दूंगी। अब आप हमारे साथ चलेंगी हमारे घर में। नहीं मुश्क, मैं अकेली कहाँ हूं। तुम दोनों अपने घरों में आबाद रहोगी तो मैं भी सुकून से रह सकूंगी। माँ को उनकी बेटियां अपने घरों में बसी हुई अच्छी लगती हैं, और औरत अपने घर में बसी रहे
तो बेटियों का महका कायम रहता है। मुझे अपने घर में रहने दो। तुम इस्माइल मियां, मोहिनी, बच्चे मेरे पास आते जाते रहना। के साथ आना मेरे घर। मेरी प्यारी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे आपकी खुशी, मैं तो आप सब लोगों का साथ पाके बहुत खुश हूं। और सबसे बढ़कर इस्माइल। अम्मी, वो पारस जैसे, मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैंने अचानक खुद को सोने का बना हुआ पाया, तब मुझे एहसास हुआ कि इस्माइल कितने खूबसूरत इंसान है। किस्मत ने मुझ पे एहसान किया कि उन जैसा शख्स मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। इस्माइल मियां, मोहिनी ठीक है ना? हाँ जी, बस सर पे थोड़े से टांके आए, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। बस घर जाने की जिद कर रही है। चलो, जिद कर रही है तो फिर तबीयत बेहतर होगी। हाँ, बल्कि आपको भी ना, आप कोई बहाना नहीं हम करने देंगे कि आप इस तरह बीमार बिस्तर पे पड़ी ने। आपको जल्दी से ठीक होना है और हमारे साथ अच्छा अच्छा सा वक्त गुजारना है ना। हेलो जी, क्या हुआ मश्क? सहबा, आप इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, जब मैं उसे मिलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की छोटे से कमरे में खिड़की खुल गई हो। ये सहबा तो ना तुम्हारे सारे होशो आवाज ले हो रही है। जब दो लोग स्टेटस और तर्ज जिंदगी में इतने फर्क हो ना, तो नुकसान हमेशा कमतर का होता है। इतनी सी भी चिंगारी ना तुम्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है।
जिंदगी ना बहुत लंबी है, तुम्हें बहुत सिखाएगी भी और ससकाएगी भी। सो बेबी लर्न एंड बर्न। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मगर मुझे माफ कर दो। ये क्या किया मेरे साथ? मुझे यूं इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर चली गई तुम? इर्तज़ा, आपने क्या किया था मेरे साथ? आप भी तो मुझे इसी तरह यूं बीच रास्ते में छोड़ के चले गए थे। मुझको तो वो पुरानी बातें हैं ना, हम भूल चुके हैं। याद है तुम्हें नया डिसीजन लिया था हमने? हाँ, पता है मैंने भी अपनी जिंदगी का नया डिसीजन ले लिया है। मैं स्माइल को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकती। क्या कह रही हो? हाँ, स्माइल को छोड़कर आपके पास आना पता कैसे? जैसे कोई खुद को आसमान से पस्ती की तरफ गिरा दे। ऐसे है जैसे कोई पाकीज़ा बेदाग मासूम सा वजूद खुद दागदार कर दे। आपको पता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और एक वो जो दूसरों के लिए सोचते हैं। जब मैंने आपसे मोहब्बत की थी ना, तो मेरा शुमार पहली तरह के लोगों में होता था। जब मुझे स्माइल की चाहत मिली तो मेरा शुमार दूसरी तरह के लोगों में होने लगा। मुझे तुम दिल पे लिख लेते। मुझे अपनी नई पहचान बहुत प्यारी है, बहुत अजीज है। इसलिए खुदा हाफिज़। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। यही तो राज़ उल्फ़त है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोच यही तो राज़ उल्फ़त।
आज से पहले ये मंजर इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। आज इस समंदर की और आपकी मोहब्बत की सच्चाई का अंदाजा हुआ है। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब्बू जी ने, अम्मी जी ने जो मेरी जिंदगी के लिए फैसला लिया वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। और इस बात का अंदाजा मुझे बहुत देर से हुआ। आपसे मिलके इस मुश्क की असली खुशबू वापस आ गई है। तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया तो यही सजा है मेरी। सची तो कहते हैं कि अगर मोहब्बत करो तो दिल में बदगुमानी ना लाओ। हकीकत यह है कि तुम पूरी रात घर से बाहर थी। जिससे प्यार करो उस पर एतबार करो। एतबार का ही नाम तो प्यार है। और ऐसा सिर्फ वो शख्स करता है जिसके दिल में खोट हो, बेमानी हो। और किस एतबार की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने खुद रेजा रेजा करके हवा में उड़ा दिया। एतज़ा, आप मेरा इत्बार करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि जितनी पाकीज़ा मैं अपने घर से निकलते वक्त थी, उतनी ही पाकीज़ा मैं आज भी हूँ। इस राज़े उल्फत को शायद मैं समझ ही नहीं सका। मुझ हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। इर्तिज़ा, मैं सोचा था कि पापा को कुछ दिनों के लिए घर ले आते हैं, उनका दिल भी बहल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। देखा नहीं था हॉस्पिटल में कितनी जिद कर रही थी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं वहां पे चली जाऊंगी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन वहां रह भी लूंगी, उनका दिल भी लग जाएगा, उनका ख्याल भी कर लूंगी। चले ठीक है भाई, मुझे दूसरों के जज्बात का और अपनी नींद का बहुत एहसास। सोते। क्या कहा आपने? ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप सेब उठा रहे। आपने ऐसा ही कुछ कहा है। नहीं।